सो गाइस तलम आएगा न्यू डे आ चुका सो फटाफट से रेस्ट इन जीतते पीस हैं। नाना मिकेंतो, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी, व्हाट अ ब्यूटीफुल एपिसोड इट वाज। द वे मापा स्टूडियो हैंडल दिस एपिसोड इज समथिंग एल्स। जेजेके के अंदर डेथ सीन्स बहुत ज्यादा ब्रूटल है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है, और ये जो डेथ सीन्स है ये भी बहुत ज्यादा ब्रूटल था, बट उन लोगों ने जो सेंड ऑफ किया नानामी को, दैट वाज सो प्योर एंड ब्यूटीफुल। हर एक मूव के साथ जो नानामी फ्लो के ऊपर फ्लो करता गया एंड वो आगे बढ़ता गया, दैट वाज समथिंग जिसकी तारीफ लोग जम के कर रहे हैं ट्विटर पर, एक के बाद एक ट्वीट कर अबाउट नानामी। एंड सारे लोग तो सैड है ये अलग बात है, बट उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब भी हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज ये जो सीन जिस तरह से एनिमेट किया ना भाई, दैट वाज सो हार्ट वार्मिंग। आई होप तुम लोगों ने ये एपिसोड देख के रखा है, और ये एपिसोड थर्सडे को रिलीज करना हुआ था स्कीम जो जेके वालों ने किया, बिकॉज थैंक्सगिविंग डे। और इस दिन के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिला, नानामी इज डेथ, इज इट एक्सेप्टेबल? ऑफ कोर्स नॉट, बट या जेके वाले वांटेड टू टॉर्चर अस इन एवरी पॉसिबल वे, बिकॉज मांगा के अंदर टॉर्चर करते हुए जा रहा है एंड अभी एनिमे के अंदर टॉर्चर शुरू हो चुका है भाई। नानामी कैरेक्टर के साथ शुरू से हम लोग रिलेट करने लगे थे, उसकी एंट्री देखने के बाद हमको पता था नानामी कैसा था, उसकी वजह से बहुत सारे मीम्स बनने लगे। बट अभी अगर इस टाइम पे हम लोग नानामी का इंट्रोडक्शन सीन देखे तो अलग हिट करता है, बिकॉज वहां पर उसने बोला था अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और अभी देखो सच्ची में एनिमे के अंदर ही इज गॉन एंड एवरीवन इज क्राइंग ओवर नानामी। नानामी एज अ कैरेक्टर विश्ड फॉर नथिंग फैंस, उसको कुछ फैंस से चाहिए ही नहीं था, ही जस्ट वांटेड पीस एट बीच भाई। अगर तुम लोगों ने न्यू एपिसोड देख के रखा तुम लोगों को पता है नानामी ने कितना ज्यादा सफर किया एपिसोड के अंदर, एंडिंग अच्छा था बट स्टिल ही सफर्ड अ लॉट। तो ये सब देख के डीप डाउन आई फील लाइक आई विश ही वाज सेल्फिश फॉर ऑन्स, आई विश ही चोज टू रन अवे इंस्टेड ऑफ पुशिंग हिमसेल्फ टू द लिमिट। ऐसे इतने खतरनाक क्रिटिकल कंडीशन में होने के बाद भी ही फॉट सो फ्रिकिंग ब्रेवली भाई। और ऐसा भी नहीं है नानामी बस एक बंदे के साथ फाइट करके आया, नहीं, he has been fighting this whole time भाई and he's tired। यहाँ पर पहुंचने के बाद भी उसके पास ऑप्शन था, easily he could run away but he chose to fight। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो नानामी फैंस है उनके अंदर एक selfish intent है कि हाँ यहाँ से भागना चाहिए था, अपना भी सपना है भाई, and I hope in the next life he gets to go to the Malaysia for vacation and read all the books without having any worries in his mind, because नानामी actually deserves it। And yeah, I want each of you to take a moment and type rest in peace नानामी केंतो। चलो आगे पूरे episode के बारे में discuss करते हैं, बहुत सारे important points जो तुम लोगों ने शायद miss कर दिया, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले let's talk about sponsor। 14,000 आ गए को बार बार याद आ रहा था भाई, एंड इसके बाद द मोमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था नानामी केंतो, 7 मिनट तक हम लोगों ने नानामी केंतो के मोमेंट एंजॉय किया एंड द होल मोमेंट वाज सो होलसम, हार्ट ब्रेकिंग एंड हार्ट वार्मिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज ट्रांजिशन यहाँ पर पापा वालों ने दिखाया, तारीफ करनी चाहिए, इन रियल लाइफ नानामी केंतो आगे बढ़ रहा था एंड आफ्टर लाइफ में भी एक स्टेप आगे जा रहा था। दैट्स द सीन, दैट्स द मोमेंट, ऐसा लग रहा था नानामी वाज लूजिंग कॉन्शियस बट एट द सेम टाइम ही वाज सो क्लोज टू आफ्टर लाइफ जो उसका ड्रीम है। और यहाँ पर जितने एनिमे ओनली वॉचर है ना, लेट मी टेल यू, जो नानामी का मोमेंट है दो अलग अलग जगह पे हम लोग को दिखाया गया, ये मांगा के अंदर ऐसा दिखाया ही नहीं मेरे भाई, बिकॉज नानामी केंतो इन द मांगा वाज ओनली गिवन अ विजन ऑफ व्हाट मलेशिया बीच लुक लाइक, ऐसे चलते फिरते दो सीन को एक साथ मर्ज करके, नहीं ऐसा कुछ दिखाया नहीं, बस इतना दिखाया कि मलेशिया बीच कैसा था। बट दिस मदर फादर जेजे के वालों ने जानबूझ के इस सीन को खींच के ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छा बनाया, मेरे को पता है हमको अंदर से खाली करने के लिए इतने अच्छे से इसको एनिमेट किया, तो या वी शुड डेफिनेटली क्लैप फॉर मेकिंग हिम फील लाइक ही वाज इन मलेशिया एंड गिविंग हिम वन लास्ट डांस। मैं देखता हूं मापा स्टूडियो को लेकर बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि एनिमेशन अच्छा नहीं है, इससे बेटर होना चाहिए, जैसा आर्ट डिजाइन था वैसा नहीं है, सूट नहीं कर रहा और जस्ट उसको ओवरऑल कराया जा रहा है, बट इन सबको छोड़ के भी जस्ट अप्रिशिएट दिस मोमेंट भाई, वी कैन डू इट राइट। जेजे के सीजन 2 कैंसिल होते होते बच गए, आगे हम लोगों ने इतना ज्यादा टायर्ड होने के बाद भी हाउ नानामी वाज keep fighting वहां पर UG भी जा रहा था एंड माइटो भी वहां पर ही था यार, एंड हियर्स द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, एवरी सिंगल मांगरियन न्यू व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, बट यहां पर उन लोगों ने एक बढ़िया काम किया, म्यूजिक को BGM को एकदम से बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए, नानामी एंड हाइवर मोमेंट वाज हाईलाइटेड सो ब्यूटीफुली, और थोड़े टाइम के लिए BGM ड्रॉप होने के बाद उनके वर्ड्स और भी ज्यादा हिट किया यार, स्पेशली नानामी के लास्ट वर्ड आतो आथानोमिमास। लाइक आई ऑलरेडी सेड, जुजुत्सु कैसन के अंदर जो डेट्स है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है एंड येट अनदर ब्रूटल डेट्स, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि उसको इतना बढ़िया सेंड ऑफ मिला। बट भाई सीरियसली जेजे के अंदर ऐसे हर एक कैरेक्टर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड क्यों होता है, बस गेगे और उसके थॉट्स को ज्यादा ही डार्क है भाई। और आगे एनिमेशन के लिए थोड़ा मैं कंप्लेन करना चाहूंगा, बट यार चलो क्या कर सकते, इट्स ओके बिकॉज कैंसिल होते होते बच गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को रेज में जाते हुए देखते, बिकॉज उसके आंखों के सामने नाना में केंतो मर चुका है, ये सारे मोमेंट जो यूजी इटर खुद दिस इज व्हाट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर भाई, बहुत सारा डेट्स उसने ऑलरेडी विटनेस करके रखा है, अभी नाना में केंतो इसके बाद एक और, उसके बाद गोजो सातोरू भी हम लोगों को पता है, फिर सबके बाद तो इट्स ऑब्वियस कि हमारे मेन कैरेक्टर को करना ये सारी चीजें देखने के बाद जो हम लोग मांगा में देखने वाले, सो ब्रिटरी मसून। फिर आगे पूरा फाइट बहुत ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को, जितना तुम माहितो को देखते हो उतना तुम हेट करते हो उसको, मेरे को पता है, बट एज अ विलन माहितो बहुत खतरनाक है, उसके एक एक डायलॉग सुन के व्यूअर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट माहितो। ये मत बोलना कि भाई तू क्या विलन के साइड में, नहीं भैया साइड लेने की बात नहीं चल रही, पर बात चल रही माहितो कितना बढ़िया विलन है, माहितो को पता है अगर ऐसे रिस्क लेके वो अटैक करता रहेगा तो वो एक टाइम पर जाके हार जाएगा, तो माहितो डिसाइड करता है यूजी को वो अंदर से तोड़ देगा, यूजी का जो सोल है ना उसको अंदर से तोड़ देगा, फिर यूजी क्या कर पाएगा, ऐसा करने के लिए उसके दिमाग में जो प्लान चलता है भाई, दैट्स समथिंग एल्स जो एक्चुअली काम करता है, अगर तुम इसे स्ट्रेंथ के मामले में बना नहीं सकते तो उसको अंदर से तोड़ दो, जस्ट गो एंड ब्रेक हिज सोल, फिर वो ऐसे टूट जाएगा। This is what Mahito gonna do. I repeat, this is what Mahito gonna do. ये देख रहा है ना? Yes. Last में हम लोग को ये दिखाने की जरूरत नहीं, हम लोग को पता है what's coming. हम लोग को एक heartbreak already मिल चुका है and we are not ready for another one. Manga, anime दोनों same time पे हमारा दिल तोड़ते हुए जा रहा है. Anime watchers, you guys are not ready for this fight. I repeat, you guys are not ready for this fight. And next episode gonna be a banger. भाई, just wait for it. Mahito के ऊपर पता चल गया जो नोबारा है वो यूजी के बहुत ज्यादा क्लोज है, अगर उसके जो कॉर्प्स है वो यूजी के सामने दिखाएगा तो यूजी का सोल अंदर से टूट जाएगा, यही करने का सोच रहा है Mahito अभी। आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर तुम लोग को देखने को मिलेगा, बट फॉर नाउ यहाँ तक ये एपिसोड बनाने का मकसद बस नानामी को गुड बाय बोलना था, ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, तो मेरे को ये करना था। अगर फ्यूचर में चाहो तो मैं जेजे के वीडियो के बारे में और भी बातचीत करूं, लाइक एवरी एपिसोड रिव्यू और समथिंग, फिर तुम लोग कमेंट पे हैशटैग यस लगा सकते हो। वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चल पर उसको सब्सक्राइब करने का बटन, उसे बाकी ऑल पे साइड कर दो। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।